Sorry. Shit, sorry. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. सर क्या प्रोग्राम है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसके पीछे? देखिए जगन्नाथ जी पूरे विश्व भर में बड़े फेमस हैं। भगवान ने नारद जी को कहा था मैं दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ पुरी में दर्शन दूंगा, तो आज वो लकड़ी के भगवान जगन्नाथ जी पुरी में भी उपस्थित हैं। उस मंदिर में हजारों लाखों लोग हर साल एकत्रित होते हैं और दर्शन करते हैं भगवान का, जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेते हैं, तो लोग उस मंदिर में लोग अलाउड हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी जाति के लोग नहीं जा पाते, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं क्योंकि नाम है जगत ना जगत पूरे जगत के नाम, तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जी एक ऐसी लीला रचते हैं जिसमें उनको रथ पर बिठाया जाता है और सभी लोगों को खींचते हुए जाते हैं। इससे वो लोग भी जो अंदर नहीं जा सकते जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। हम लोगों ने कई कई पाप किए कई जन्मों में, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं और हजारों लाखों लोगों को प्रसाद के वितरण होता है, कीर्तन होता है, तो ये जगन्नाथपुरी में होता है। लेकिन इस्कॉन एक प्रचार का मूवमेंट है, प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था। आज इस्कॉन के लगभग 700 केंद्रों में पूरे विश्व भर में लगभग 1000 से ज्यादा रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। इसका अलग अलग दिन होता है, अलग अलग समय होता है। इस्कॉन रोहिणी 26वीं रथ यात्रा निकाल रहा है दिल्ली में, रोहिणी में, और इसके अलावा दिल्ली में लगभग 5 से 10 रथ यात्राएं होती हैं पूरे साल। उद्देश्य क्या है कि जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो जगन्नाथ जी का दर्शन मंदिर में जाके नहीं कर सकते, उन लोगों को हम लोग यहाँ पर आमंत्रित करें और जगन्नाथ जी का दर्शन कराएं, रथ खिंचवाएं, प्रसाद ग्रहण करवाएं और जगन्नाथ जी की कृपा के योग्य बनाएं। बताया जाता है जो जगन्नाथ जी के रथ को देखकर उत्साहित खड़ा हो जाता है, वेलकम करता है, रथ खींचता है, उसके जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने लगभग 256 भोग बनाए हैं भगवान को ऑफर करने के लिए। इसके अलावा रथ पर भी 4 से 5 जगह पर भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे ताकि भगवान जो है भरपूर प्रसाद लें और दूसरों को भी बंटवाएं अपनी कृपा के रूप में। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा, अभी 12 बजे रथ शुरू हो जाएगा। सारे लोग भक्त लोग पूरे रास्ते हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए कीर्तन करते हुए चलेंगे, जगन्नाथ जी को खींचते हुए चलेंगे, रोहिणी को जो है अपने प्रेम में सरोवर कर देगी, तो इस प्रकार ये रथ यात्रा निकाली जाए। कहाँ से कहाँ तक होते हो ये, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ समापन किया जाए? हम लोगों ने यात्रा शुरू करी है जापानीज पार्क से शुरू करी है, आरंभिक स्थान ये है, लेकिन यहाँ से घूमते हुए कई सेक्टर से होती हुई, सेक्टर 3 से घूमती हुई, विश्राम चौक से होती हुई ये रथ यात्रा शाम को वापस पुनः यहीं आएगी।
और हजारों लोग शाम को भी प्रसाद पाएंगे। सुबह लगभग हम लोग 8-10 हजार लोगों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं और शाम को भी लगभग 15 हजार लोगों का प्रसाद वितरण किया जाएगा। उद्देश्य वैसे ये है कि लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा दे सके, ये रथ यात्रा का उद्देश्य। कौन कौन मुख्य लोग यहाँ पर आएंगे जो माला? तो हमने पूरे सभी जनता को किया है, वही हमारी सबसे बड़ी जनता जनार्दन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रशासनिक लोग हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उदय जी, वो आने के लिए उन्होंने बोला है, वो भी आएंगे। और इसके अलावा बीजेपी के जो हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी, हम जाजू जी ने भी, शाम जाजू जी ने भी हाँ करा है। इसके अलावा राजेंद्र जी जो गुप्ता जी हैं, जो सुशील राजेंद्र जी, सुशील गुप्ता जी, ये सब भी आ रहे हैं। तो आएंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, नहीं आएंगे तो दूर से प्राप्त करेंगे। हमारे लिए भगवान जगन्नाथ जी सबको कृपा देने वाले हैं, जो देख कर भी देख रहा है उसको भी कृपा है, जो नहीं आया उसके लिए भी।